वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एनपीएस सब्जेक्ट मैथ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों को मैं रजिस्टर नंबर के बारे में बताया। टुडे आई विल टीच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रजिस्टर नंबर। यानी रजिस्टर नंबर का एडिशन का प्रॉपर्टी आप लोगों को आज बताना है, ठीक है। फर्स्ट में है क्लोजर प्रॉपर्टी। द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। आणि सम ऑफ एनी रेशनल नंबर्स, आणि दो रेशनल नंबर का जो सम होता है वो भी रेशनल नंबर होता है, ठीक है। जैसे इफ हम मान लें ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर एनी टू रेशनल नंबर, देन तब क्या होगा, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार ये भी रेशनल नंबर होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए 1/4 प्लस 2/3 इसको हम सॉल्व किए तो 11/12 आया। यानी 11/12 भी रेशनल नंबर है, ये दोनों भी रेशनल नंबर है, ये दोनों का सम ये आया, तो ये भी ये। अब आप लोगों को मैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। द रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिविटी इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर एनी टू रेशनल नंबर, देन ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी। इसमें रेशनल नंबर का प्लेस चेंज कर देते हैं। यानी दो रेशनल नंबर, जैसे फर्स्ट में रेशनल नंबर था और ये सेकेंड में, फर्स्ट में ए बाय बी और सेकेंड में था, जैसे ये फर्स्ट में था उसके बाद ये सेकेंड था, तो फर्स्ट में ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन, सेकेंड में सी अपॉन डी। जब इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ये सेकेंड इधर आ जाता है और फर्स्ट इधर आता है, तो दोनों स्थिति में दोनों का जो रेशनल नंबर का जो सम होगा वो इक्वल होगा। वेरिफिकेशन में हमको वेरिफिकेशन 5/6 प्लस -4/9 एंड दूसरा इसको चेंज कर दिए प्लेस, तो -4/9 प्लस 5/6 दोनों को सॉल्व करके देखें। देखिए मैंने सॉल्व किया है, 6 और 9 का एलसीएम 18 करके देखें, 18 और ये दोनों स्थिति में 7/18 इधर भी 7/18 है, यानी दोनों तरफ से इक्वल है, दोनों इक्वल है। इसीलिए हम लोग सिमिलरली इट कैन बी वेरीफाइड फॉर अदर पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स, ये वेरीफाई करने आप इसमें कम्युनिटी प्रॉपर्टी में यही देखेंगे कि अगर दो रेशनल नंबर का सम है और उसको अगर प्लेस में परिवर्तन भी कर देते हैं तो उसका सम सेम रहता है, ओके गॉट इट। अब मैं 3 नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ठीक है। द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव, यानी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव है। दैट इज फॉर एग्जांपल के लिए ए अपॉन बी सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ आर 3 रेशनल नंबर्स। ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, ये इन लोगों को एक साथ पेयर बनाएगा, ठीक है। इक्वल टू अगर ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी को पेयर बनाएगा और ई अपॉन एफ को अलग कर दिया, फिर भी ये इक्वल होंगे, इसी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए जैसे लिया हुआ है -3/4 प्लस 5/6 प्लस -4/9,
एंड इसी को अगर हम लोग इसमें चेंज कर दिए, ये 5/6 एंड -3/6 को एक साथ ले लिए, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखें मैंने 6 और 9 कैल्शियम दे 18 आया, उसके बाद 3 टाइम्स में 18 आता है तो 3 से मल्टीप्लाई किया 15, और 2 टाइम्स से 18 आता है 2 से मल्टीप्लाई किया 8। ओके नेक्स्ट इधर देखें 4 और 6 एलसीएम 12, ये 3 टाइम्स में आएगा 3 3 9, और 2 टाइम्स में आएगा 5 2 10। ओके प्लस माइनस 4/9। नेक्स्ट क्या प्लस माइनस इनटू में प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 15 - 8 - 7 होगा, अरे -3/4। ओके फिर इधर देखिए -9 + 10, -9 + 10 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस ये 10 प्लस में है, ये पॉजिटिव है ग्रेटेस्ट नंबर, -1/12 आया और -4/9। फिर पुनः ये फ्रैक्शन है 4/18, 4/18 का एलसीएम 36 होगा, निकाल लीजिएगा 36, ये 4 9 टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा तो 3 9 = 27 माइनस है प्लस ये 2 टाइम्स में जाएगा 7 2 = 14। ओके एंड नेक्स्ट है 12 और 9 का एलसीएम 36, 12 3 = 36 यानी 3 से 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, ये 4 टाइम्स में आएगा 4 16। ओके यहाँ -27 + 14 इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा 13 आएगा, -13/36 और ये इसमें माइनस प्लस फिर माइनस होगा तो 16 में -3 सब्ट्रैक्ट होगा तो -13/36 यानी दोनों इक्वल्स हो गए। इसलिए सिमिलरली इट कैन बी वेरीफाइड फॉर अदर रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट एग्जाम्पल 4/3 + 3/5 - -2/3 - 11/5 1 2 3 4 फोर रेशनल, सम ऑफ फोर रेशनल, इसको हम लोग कैसे कर रहे हैं? एट फर्स्ट इसको सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे, अरेंज करके देखना है, अरेंज करने मतलब है जो सेम डिनोमिनेटर है उसको एक साथ करेंगे, जैसे ये 3 है और यहाँ भी 3 है डिनोमिनेटर से, इसको लिखते हैं 4/3 + -2/3 एक साथ करेंगे, 3 + 5 = 3/5 + -11/5 ऐसे लिखने से इजी होगा। ठीक है जैसे अब आप लोग देखेंगे ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में आ गया, लाइक फ्रैक्शन में इसका एलसीएम 3 होगा और 4 + -2 ठीक है प्लस ये भी वही है 5 है, 3 + -11 सेंटर में हो जाता है। अब यहां देखिए यहां क्या है, इसको लिख भी सकते हैं +-4 - 2/3 या 3 प्लस या 3 +-11/5। ओके अब है ये 4 - 2 / 3 प्लस ये 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है 11 में 3 जाएगा तो 8 -8 - 8/5। ओके अब मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं 2/3 + -8/5। अब ये 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15। ठीक है यहाँ आप लोग 15 3 5 = 15 5 10 + 5 3 = 15 तो ये
24. Okay. Yeah, 10 minus 24 plus minus minus upon 15. It subtract hoga 4 1 and minus 14 upon 15. इस तरह ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।